Hi guys, this दिस इज शोमो and welcome वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो फ्रॉम channel चैनल बायोमेटकी डुड मोर्निंग सो guys, आप लोग बहुत सारे students कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे मुझे पर्सनली भी मैसेज कर रहे थे कि भैया आप जो prediction करते हो वो मैच नहीं करता है एंड आपका prediction ज़्यादा काम में नहीं आता etc etc. तो आपके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ आप सभी के लिए ये जो मैं कर रहा हूँ ये एक prediction कर रहा हूँ ताकि आपको एक रफ एजम्पन हो सके एंड आप लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल सको ठीक है तो बहुत सारे टाइम क्या होता है हमारा ये प्रिडिक्शन गलत भी हो सकते हैं मैं बार बार हर एक वीडियो में कहता हूं प्रिडिक्शन गलत भी हो सकता है प्रिडिक्शन में भी चेंज। हम लोग एप्सल्यूट के ऊपर बेस करके नहीं बता रहे हैं। हम लोग प्रीवियस एक दो इयर्स के स्टैटिस्टिक्स और डेटा के ऊपर बेस करके ये प्रिडिक्शन जनरली करते हैं ठीक है थीके? तो ये तो हो गया फर्स्ट बात तो अब हम आते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक में

लेकिन हाँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू तो गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल एंड ऑब्वियसली गाइस अगर आप लोग नीट 2021 एक्सपीरियंस हो तो आज हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का एग्जाम होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप नीट वहां पर स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी बता दिया है एंड वहां पर जाकर बहुत सारे लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनसे आप लोग एग्जाम भी दे सकते हो चैप्टर वाइज ठीक है तो चलिएगा विदाउट एनी फारद इंट्रोडक्शन लेट स्टार्ट अगर आप लोग डब्ल्यू बी

ऑल इंडिया कोटा राउंड टू में ये अभी भी वैकेंट है जिनमें से वेस्ट बंगाल में जो वैकेंट है 2000 ठीक है वेस्ट बंगाल में जो वैकेंट है आप लोग साइड में स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो जहां पर मैंने दे दिया है ऑलरेडी किस कॉलेज में कितना वैकेंसी अभी भी क्लियर है तो जनरल कैटेगरी में जो टोटल वैकेंसी इस टाइम पे है दैट इज टू ठीक है टू जनरल कैटेगरी के पीएच pH, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा में जो अभी भी वैकेंसी वैकेंट है दैट इजन एंड एस कैटेगरी में वैकेंसी अभी भी बाकी है 45 एंड एस कैटेगरी में अभी भी वैकेंट है 19 तो ये सब वैकेंसी का मेन इंपॉर्टेंस क्या होगा ठीक है क्या होगा इन सब वैकेंसीज का इंपॉर्टेंस तो हम लोग क्या जानते हैं राउंड वन हमारा हो गया है ऑल इंडिया कोटा में ठीक है ऑल इंडिया कोटा राउंड वन हो गया है राउंड वन में जनरली क्या होता है राउंड वन में हर एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है ऑल इंडिया कोटा में लेकिन उनसे जो अलॉटमेंट होता है ठीक है अलॉटमेंट होता है ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं अलॉटमेंट को छोड़ देते हैं ठीक है अलॉटमेंट को छोड़ देते हैं एंड उनका कोरिस्पॉन्डिंग स्टेट काउंसिलिंग राउंड वन में पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है थीके? क्योंकि अगर कोई एक का भी राउंड वन ऑल इंडिया कोटा में अलॉटमेंट हो जाए तो वो स्टेट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है ठीक है अलॉटमेंट जनरली नहीं लेते हैं इसलिए राउंड टू का बहुत सारे सीट्स वैकेंट रह जाते हैं ठीक है राउंड टू में बहुत सारे सीट्स वैकेंट रह जाते हैं लेकिन यहां पर और एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पर हमारा एक फैक्टर भी है टेन थाउजेंड रुपीज का क्या होता है जनरली राउंड वन में अगर आप लोग अलॉटमेंट नहीं लेते हो तो ऑब्वियसली आप लोग टेन थाउजेंड रुपीज आपका रिफंड हो जाएगा एंड टेन में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो आप लोग कोरिस्पॉन्डिंग स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो ठीक है स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो ठीक है ये जनरली होता है राउंड टू में तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं राउंड टू जो होता है यहां पर ऑल इंडिया कोटा में बहुत सारे सीट्स रहने के बावजूद भी राउंड टू में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि अगर वो राउंड टू में पार्टिसिपेट करते हैं तो स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे तो इस टाइम पे आप बहुत सारे लोग कहोगे कि बाहर वाला बहुत सारे स्टेट क्या कर सकते हैं वेस्ट बंगाल में जितना भी सीट है ये आकर फिलअप कर देंगे ठीक है लेकिन जनरली ये होता नहीं है क्यों मैंने ऑलरेडी बता दिया अगर आप लोग सोचो गुजरात से हो ठीक है गुजरात हरियाणा ठीक है और कोई एक स्टेट से हो तो अगर आप लोग क्या करना चाहते हो राउंड में पार्टिसिपेट करते हो एंड आपका अच्छा खासा स्कोर है एंड आप लोग वेस्ट बंगाल के लो कट ऑफ वाला कोई एक स्टेट चुनते हो ऑल इंडिया काउंसिलिंग में एंड अगर आपका उस स्टेट में हो जाता है ठीक है अगर आपका उस स्टेट में हो जाता है तो आपको जाना ही पड़ेगा अलॉटमेंट में और लेना ही पड़ेगा अलॉटमेंट ठीक है एंड अगर आप लोग नहीं लेते हो तो आप लोग स्टेट काउंसिलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकोगे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बता दिया इसलिए क्या करेंगे ये बहुत ये इस वाले स्टेट से जो स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे हो आने का चांस है वेस्ट बंगाल में स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं आएंगे ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट नहीं आएगा ज्यादा स्टूडेंट नहीं आएंगे यहां पर ठीक है एंड सेकेंड बात क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया था जनरली 600 के नीचे जिनका स्कोर है वो लोग ऑल इंडिया कोटा में उनका कोई प्रॉफिट नहीं है वो कोई सीट ऑल इंडिया कोटा से ले, नहीं ले पाएंगे ठीक है इसलिए जिनका मार्क्स 600 से नीचे है वो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे राउंड टू में ठीक है एंड ऑब्वियसली और एक इंपॉर्टेंट बात जनरली हम लोग देखते हैं जो फाइव टू फाइव 600 इस, रेंज के अंदर, 600 इस रेंज के अंदर, है, से मैं सोच रहा हूँ जनरल के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 हंड्रेड सीट्स फिलअप होंगे ठीक है बता रहा हूँ मैं पीएच में ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 10 से मैं सोच रहा हूँ 10 ही फिलअप हो जाए ठीक है 10 ही फिलअप हो जाएंगे एससी कैटेगरी जो है एस कैटेगरी में 45 के फोर्टीम फिलअप फिल फिल होने का चांस है तो हमारे पास बचे हुए होते हैं जनरल में वन ट्वेंटी सीट्स ठीक है अभी भी बचे हुए हैं पी में जो होगा कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पर जो ट्वेंटी सीट्स एंड यहाँ पर नाइन सीट्स ये जो सीट्स वैकेंट है इस जगह पे ये वैकेंसीज़ राउंड टू से कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा ये ट्रांसफर हो जाएगा हमारे स्टेट काउंसिलिंग राउंड टू के अंदर ठीक है आर टू स्टेट काउंसलिंग इसमें ट्रांसफर हो जाएगा जो एक इंपॉर्टेंट बात है आपको जानना जरूरी है एंड इसके साथ और कौन कौन सा सीट ऐड होगा

उनका भी जो सीट्स बचा हुआ होगा होगा वो राउंड टू के अंदर स्टेट काउंसिलिंग में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा ठीक है तो इतना सारा सीट्स इनकॉर्पोरेट होने का चांस रहता है राउंड टू स्टेट काउंसिलिंग में तो अब हम डिस्कस करेंगे और अब हम प्रेडिक्ट करेंगे कि जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ कितना होना चाहिए एस कैटेगरी के लिए कट ऑफ कितना होना चाहिए इन वेस्ट बेंगल एंड एस कैटेगरी के लिए कट ऑफ क्या होना चाहिए इन वेस्ट बेंगल तो वीडियो को अंत तक देखना इफ यू आर न्यू टू चैनल चैनल दिस हिट द बेल आइकोन टू गेट लेट

ठीक 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 है 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 इसके इसके अंदर तो तो हर एक होंगे साथ हमें जो करना that is round two जो करना होगा का बचा था round two के के बाद के में मैं समझ रहा हूं, 126 अभी भी बाकी है जो हमें राउंड टू ऑल इंडिया कोटा से ठीक है राउंड टू ऑल इंडिया कोटा से स्टेट कोटा में ट्रांसफर होंगे ठीक है ट्रांसफर होंगे राउंड टू के लिए ठीक है तो जनरली जनरल कैटेगरी के लिए मैं सोचता ट्रांसफर होंगे तो पर एस सी एस टी ओबीसी है तो आपको या, इसके साथ ओबीसी का भी एड करना होगा ये एस सी ये एस टी एंड ये जनरल प्लस ये फोर्टी सीट्स कहाँ से आएंगे मैं समझ रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ राउंड टू में बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं मेडिकल और ट्रांसफर हो जाते हैं उसके लिए फोर्टी सीट्स इंक्लूडेड है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो छोड़ देते हैं ऑलरेडी सीट उनके लिए फोर्टी सीट एड हुए हैं राउंड टू में ठीक है कहां से राउंड वन से ठीक है आई थिंक आप लोग समझ रहे हो और और कहा से हो सकता है राउंड वन का जिनका वेरिफिकेशन कैंसिल हो गया था जिनका डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उन उससे 40 सीट्स ऐड हुए हैं ठीक है थीके? तो अगर हम इन सब को सम अप करें तो 2025 ये कट ऑफ जाने का चांस है एंड मैं अप्रोक्सीमेशन करके बता रहा हूं आपको 2100 और अगर आपका जनरल कैटेगरी में स्टेट रैंक 2100 थाउजेंड और इससे नीचे है तो आप लोग गवर्नमेंट एमबीबीएस परस्यू कर सकते हो ठीक है गवर्नमेंट एमबीबीएस परस्यू कर सकते हो ठीक है ये हाई प्रोबेबिलिटी है आपका आप लोग अगर एस कैटेगरी में बिलोंग करते हो पिछले वाले वीडियो में मैं बताया था ऑलरेडी एस कैटेगरी में एट का आसपास स्टेट रैंक का कट ऑफ जाने का चांस है लेकिन यहां पर थोड़ा मैं मिस्टेक जो किया था वो मैं आप सुधारना चाहता हूँ दैट इज जब मैंने यहां पर देखा है इसी कैटेगरी में फोर्टी फाइव सीट अभी भी वैकेंट है राउंड टू के लिए ऑल इंडिया कोटा में अगर मैक्सिमम ट्वेंटी कैंडिडेट्स भी ऑल इंडिया कोटा से आकर यहाँ पर एंट्री लेते हैं और एडमिशन लेते हैं तो हमारे पास बचा हुआ सीट है ट्वेंटी सीट अप्रोक्स ठीक है लेकिन ट्वेंटी सीट्स में नहीं पकड़ता हूं और राउंड वन से जो सीट्स आते हैं एंड जो वेरिफिकेशन जिनका कैंसिल हुआ है वहां से जो सीट आएंगे लगभग मुझे लगता है ट्वेंटी नहीं अप्रोक्स फोर्टी टू फिफ्टी सीट्स बचे हुए होंगे कैटेगरी के लिए फॉर राउंड टू लेकिन हम लोग जब ये जो कट ऑफ गया था ठीक है ये जो हमारा कट ऑफ गया था सिक्स थाउजेंड फोर्टी वन ये जो कट ऑफ गया था राउंड वन के लिए इसके साथ सिक्स 250 ये स्टेट रैंक के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे लगभग 60 तो मुझे जो लगता है 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 के लिए जाने का चांस ठीक कैटेगरी में आपको कट ऑफ कैसे डिटरमाइन करना होगा आपको लगभग करना होगा कुछ इस तरह से यहां पर आपको जो कट ऑफ स्टेट रैंक गया था एस सी एस टी कैटेगरी का, में मतलब एस टी कैटेगरी में राउंड वन में जो कट ऑफ गया था आपका एस टी कैटेगरी रैंक उसके साथ ट्वेंटी टू थर्टी रैंक ऐड कर देना है एंड आप लोग अगर उस रैंक रेंज के अंदर पढ़ते हो तब आप लोग एस टी कैटेगरी में आसानी से गवर्नमेंट एम बी बी एस परस्यू कर सकते हो ठीक है गवर्नमेंट एम बी बी एस परस्यू कर सकते हो और मैं और एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो एंड आप लोग टू टू डबल जीरो से 2300 इसके अंदर हो ठीक है तो आप लोग ऑब्वियसली स्टेट कोटा एमबीबीएस ये परसीव कर सकते हो स्टेट कोटा इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ये परसीव कर सकते हो अगर आप लोग ओबीसी ए हो तो अगर आप लोग ओबीसी ए हो तो आप लोगों का जनरली ओबीसी ए के लिए मैं बताना चाहता हूं अगर आप लोग 2200 इस स्टेट रैंक के अंदर पड़ते हो तो आप लोग सेफ जोन में हो फॉर गवर्नमेंट एमबीबीएस एंड अगर आप लोग ओबीसी बी हो तो अगर आप लोगों का ट्वेंटी फोर था